माया नगरी मुंबई। यूं तो मुंबई में दोस्तों बहुत सारे सिनेमा घर हैं, क्या मल्टीप्लेक्स ले लीजिए, क्या सिंगल स्क्रीन थिएटर ले लीजिए, लेकिन अक्सर जो दर्शक हैं वो फिल्म देखने के लिए जाते हैं गेटी गैलेक्सी बांद्रा। क्यों जाते हैं वो, क्या दिलचस्पी है उनकी गेटी गैलेक्सी बांद्रा में, इस वीडियो रिपोर्ट में आपका ये राहुल भोज आपको सारी बातें बताएगा। अच्छा, गेटी गैलेक्सी जो है वो बांद्रा वेस्ट में स्थित है। आप गेटी गैलेक्सी जो है वो बांद्रा स्टेशन से भी जा सकते हैं या फिर खार स्टेशन से भी जा सकते हैं। आज मैं आपको जर्नी कराऊंगा गेटी गैलेक्सी की और ये भी बताऊंगा कि आखिरकार क्यों बड़े बड़े स्टार्स अपने फिल्म के प्रमोशन के लिए कह सकते हैं या फिर ऑडियंस का रिएक्शन के लिए वो गेटी गैलेक्सी बांद्रा ही क्यों आते हैं। गेटी गैलेक्सी से जुड़ी हुई कुछ दिलचस्प बातें लेकर आऊंगा मैं आप लोगों के लिए आपके चैनल पे। आपको कुछ क्विक फैक्ट बताना चाहता हूँ। गेटी गैलेक्सी जो है वो मनोज देसाई जो है उनके द्वारा रन किया जाता है। नंबर वन। नंबर टू, मनोज देसाई एक बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर हैं अगर बात करें तो, और उनका सिर्फ यही थिएटर नहीं है, गेटी गैलेक्सी ही नहीं है, मराठा मंदिर जहाँ पर DDLJ आज तक लगी हुई है वो भी है, और दोनों ही तरफ से उनको, यानी कि गेटी गैलेक्सी से और ये अपना मराठा मंदिर से, दोनों से ही अच्छा खासा रेवेन्यू आता है। गेटी गैलेक्सी को हम जैसे दर्शक पसंद इसलिए करते हैं क्योंकि हमें वहाँ पर पूरा फील मिलता है कोई भी फिल्म देखने का, चाहे वो भाई की मूवी हो, चाहे वो जॉन की मूवी हो, चाहे वो अक्षय कुमार की फिल्म हो, हर जगह मतलब हर एज के दर्शक वहाँ पर मौजूद होते हैं और हर एज के दर्शक वहाँ पर इंजॉय करते हैं, तालियां बजाते हैं, स्टैंडिंग ओवेशन देते हैं और बहुत सारी चीज़ें करते हैं। बांद्रा स्टेशन पे एंट्री हो चुकी है मेरी, एक्चुअली एग्जिट हो चुकी है और मैं सीधे वॉक करते करते जा रहा हूँ दोस्तों कहाँ पर, गेटी गैलेक्सी बांद्रा। अच्छा, आप लोग बोलेंगे कि राहुल भाई ऐसा कैसे वॉक कैसे कर सकते हो, ऑटो ऑटो नहीं कर सकते हो? आप कर सकते हो ऑटो, लेकिन वॉकेबल डिस्टेंस पे है। गेटी गैलेक्सी के प्रवेश द्वार यानी कि एंट्रेंस गेट पे हूँ मैं दोस्तों, और मेरे ठीक पीछे गोल्ड और सत्यमेव जयते के पोस्टर्स लगे हुए हैं। बेसिकली गेटी गैलेक्सी हब है सेलिब्रिटीज का, बड़े बड़े डायरेक्टर्स भी अपने फिल्म का रिस्पांस जानने के लिए गेटी गैलेक्सी आते हैं, और गेटी गैलेक्सी में ऑडियंस जिस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रही है, मतलब चिल्ला रही है, तालियां बजा रही है, स्टैंडिंग ओवेशन दे रही है या फिर हंस रही है, मजाक कर रही है, तब उन्हें लगता है कि हाँ यार पिक्चर तो हिट होगी या फिर नहीं होगी हिट। चलिए आपको एक फन फैक्ट बताता हूँ। यहाँ के जो कर्ता धर्ता हैं जिनका नाम है मनोज देसाई जी, मनोज देसाई से पूछने के लिए करण जौहर आते हैं, रोहित शेट्टी आते हैं, और वो पूछते हैं कि यार आप बताइए ये स्टोरी है हमारी, इस तरीके की फिल्म हम बनाने जा रहे हैं तो क्या वो फिल्म हिट होगी या फ्लॉप। दरअसल मनोज देसाई जो हैं वो सदियों मतलब सालों से इस इंडस्ट्री में जुड़े हुए हैं दोस्तों, गेटी गैलेक्सी का रिजल्ट उन्हें पता रहता है, तो ऐसे में डिस्कशन बड़ा ज़ोरदार चलता है
कि भाई क्या होगा, फिल्म हिट होगी या फ्लॉप होगी या एवरेज जाएगी। मनोज देसाई को कभी कभार तो पहले ही फिल्म दिखा दी जाती है कि भैया बताओ आप कि इसमें क्या हम कंटेंट ऐड कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। सोचिए यार, सिनेमा घर मालिक हैं वो, लेकिन फिर भी बड़े बड़े डायरेक्टर्स, बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स आते हैं और वो उनसे पूछते हैं कि भाई बताओ हमें कि हमारी फिल्म चलेगी या फिर नहीं चलेगी। आपको मनोज देसाई जी का पक्का एक बार इंटरव्यू करके बताऊंगा और उनसे आप जो एक बातचीत होती है जो कि चैनल में मैं अक्सर लाता हूँ वो ज़रूर लाऊँगा, प्रॉमिस रहा, वादा रहा। आपको मैं लेके चलता हूँ वो जगह जहाँ से ऑडियंस छूटती है और मैं अक्सर उनका रिव्यू लेता हूँ। सो दिस इज़ द एग्जिट, जो कि एक थिएटर की एग्जिट है, और वो पीछे आप देख रहे हैं, वो पीछे है वहाँ पर पार्किंग लॉज, जहाँ पर पार्किंग होती है बाइक की, कार की, जो भी है। तो यहाँ पर मैं बेसिकली पूछता हूँ गाइस, ये देखिए, दिस इज द एंट्री थिंग। गेटी गैलेक्सी में आते हैं बहुत सारे दोस्तों ऑडियंस जो कि अपना पैसा खर्च करते हैं। यहाँ पर जो टिकट है वो बिल्कुल नॉमिनल है, उतने में आप कह सकते हैं आप मुंबई में ट्रैवल ही करते हैं। तो ऐसे में दर्शक सोचते हैं कि यार जब इतना हम पैसा पे कर रहे हैं तो हमें सर्विस भी अच्छी मिलनी चाहिए। अगर आप कभी अंदर गए हैं गेटी गैलेक्सी के तो आपको मज़ा आ जाएगा, लिटरली फुल ऑन एसी है नंबर वन, और फैसिलिटीज़ है, साफ़ सुथरा है, गंदा भी नहीं है। जिस तरीके से सिंगल स्क्रीन थोड़ा सा गंदे रहते हैं, वॉशरूम और सीट वीट वगैरह वगैरह, लेकिन गेटी गैलेक्सी बिल्कुल शानदार है। क्या अमीर क्या गरीब, हर कोई, क्या अगर बात करूँ मैं ऑटो ड्राइवर भैया या फिर अगर नॉर्मल वर्किंग क्लास है, हर कोई फिल्म देखने के लिए यहाँ पर आता है, क्योंकि यहाँ पर फिल्म्स का असली मज़ा है। यहाँ पर फिल्म्स को एक फेस्टिवल की तरह एंजॉय किया जाता है, यहाँ पर फिल्म्स को एक त्यौहार की तरह मनाया जाता है। आपको बता दूँ दोस्तों, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ अपना रिव्यू लेने के लिए आ जाते हैं और वो आकर या तो प्रोजेक्शन रूम में बैठे रहते हैं या फिर ऑडियंस के बीच में चुपचाप बैठे रहते हैं। गेटी गैलेक्सी की अगर मैं अंदर की बात करूं, अंदर के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं दोस्तों, तो नॉर्मल है, ठीक है, पोस्टर लगे हुए हैं जगह जगह पर और अपकमिंग फिल्म्स के पोस्टर हैं। लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि अंदर जो है, मतलब जो ऑफिस में है, वहाँ पर अमर अकबर एंथोनी, जो कि अमिताभ बच्चन साहब की फिल्म थी, अमिताभ बच्चन साहब, ऋषि कपूर जी, विनोद खन्ना जी, तो उनकी फिल्म के जब गोल्डन जुबली हुई थी गेटी गैलेक्सी के अंदर, तो इन तीनों कास्ट का एक ब्रास में एक पोस्टर टाइप का बना हुआ है, मोमेंटो टाइप का बना हुआ है, नंबर वन। नंबर टू, अगर आपको जंजीर फिल्म याद होगी, अगर आपको जंजीर फिल्म याद होगी तो उसने 100 दिन पूरे कंप्लीट किए थे गेटी गैलेक्सी में, और वो भी मतलब हाउसफुल लगभग थे, फिल्म का क्रेज़ बहुत ज़्यादा था, अमिताभ बच्चन की जो इमेज थी द एंग्री यंग मैन की वो बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था। तो उनके बेसिकली उसके लिए जो है 100 डेज पूरा होने पर एक रोरिंग हॉर्स का एक मोमेंटो मिला था, मतलब कि एक ऐसे दौड़ता हुआ घोड़े की तरह मिला था, जो कि बहुत ज़्यादा शानदार है। आप देखिएगा इंटरनेट पे उसकी तस्वीर है। प्लस साथ ही साथ जब कोई मिल गया रिलीज़ होती है जादू, तो जादू का भी एक प्यारा सा मोमेंटो भी यहाँ पर दिया जाता है, और जादू ने सिल्वर जुबली, मतलब कि कोई मिल गया ने सिल्वर जुबली यहाँ पर मनाई थी गेटी गैलेक्सी बांद्रा वेस्ट में। गेटी गैलेक्सी जो है एक बहुत ही शानदार थिएटर है, सिंगल स्क्रीन की ऑडियंस के लिए, ले लीजिए क्लास, ले लीजिए मास, ले लीजिए। अगर आपको फुल ऑन एंटरटेनमेंट का डोज लेना है तो जब भी आप मुंबई विजिट करेंगे गेटी गैलेक्सी बांद्रा में ज़रूर आइएगा, ज़रूर 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 आइएगा। आप लोगों को एक सीरियस वाली ट्रिविया शेयर करना चाहता हूँ। नवंबर 2015 की बात थी, गेटी गैलेक्सी में अचानक से आग लग जाती है, जिसके रीजंस अभी तक सामने नहीं आते हैं। पूरा जो आगे का शेड लगाया गया था वो धू धू कर कर जलने लगा था, और उस टाइम पर आपको पता है कौन सी पिक्चर लगी थी यहाँ पे, प्रेम रतन धन पायो, भाईजान सलमान खान की ये फिल्म, जिसे सूरज बड़जात्या जी ने डायरेक्ट किया। इसमें सोनम कपूर थी, नील नितिन मुकेश थे, स्वरा भास्कर थी। अचानक से 3:30 बजे की ये घटना है, दिन की 3:30 PM समथिंग के आसपास की, तो अचानक से फिल्म चल रही थी, थिएटर में आग लग जाती है, फ्रंट पोर्शन बेसिकली जलकर राख हो जाता है, सारे पोस्टर्स जल जाते हैं,
लेकिन सबसे अच्छी बात ये थी कि जान माल की कोई हानि नहीं हुई थी। फिल्म देखने गए थे जो लोग वो सुरक्षित वापस भी आ गए थे, लेकिन एक डर एक खौफ बन गया था। फिर धीरे धीरे दोस्तों ये डर ये खौफ जो है उतरता गया और गेटी गैलेक्सी आज मुंबई का सबसे बड़ा थिएटर बन गया है। बॉस आप वहाँ के रिव्यूज़ ले लीजिए, आप वहाँ के ऑडियंस का पागलपन ले लीजिए, हर एक मामले में गेटी गैलेक्सी नंबर वन पे आता है। इनफैक्ट आप यूट्यूब में जितने भी रिव्यूज़ चेक करेंगे पब्लिक रिव्यूज़ तो गेटी गैलेक्सी उनमें नंबर वन आता है। गेटी गैलेक्सी की एक अपनी पहचान है, एक अपना इतिहास है। सो माई डियर फैमिली मेम्बर्स, फाइनली मैंने आपको गेटी गैलेक्सी की यात्रा करवाई, ये भी बताया कि क्यों बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ प्रिफर करते हैं यहाँ पर आना, ये भी बताया कि दर्शक क्यों प्रिफर करते हैं, और एक पूरी जर्नी कराई कि किस तरीके से आप गेटी गैलेक्सी आएँ, किस तरीके से आप फिल्मों को इन्जॉय करें यहाँ पर आकर, और एक नई एनर्जी अपने साथ लेकर जाएँ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप मुंबई में रहते हैं तो ज़रूर गेटी गैलेक्सी एक बार आएंगे। अगर आप बाहर से मुंबई आते हैं तो उसके लिए भी आप गेटी गैलेक्सी एक बार विजिट करने तो ज़रूर आएंगे। इट्स वर्थ इट गाइस, क्योंकि यहाँ पर फिल्म देखने का एक अलग माहौल होता है। स्पेशली अगर हम बड़े बड़े स्टार्स की बात करें, जैसे कि अक्षय कुमार साहब, जॉन अब्राहम, हमारे शाहरुख खान जी, सलमान खान, आमिर खान, सबकी फिल्म्स देखने में यहाँ पर बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि एक अलग ही एनर्जी होती है, अलग ही एंथुजियाज़म होता है। आई एम श्योर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, थोड़ा सा गाइड भी किया मैंने आपको, एंटरटेनमेंट का डोज भी दिया, तो आपको मज़ा आया होगा ये वीडियो देख के। आप गेटी गैलेक्सी विजिट करने वाले हैं या नहीं करने वाले, प्लस आपको रिव्यूज़ कैसे लगते हैं गेटी गैलेक्सी के, कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताइएगा, और आपके कमेंट्स का मैं इंतज़ार करूँगा, और इसी तरीके के छोटे छोटे प्यारे प्यारे एक्सक्लूसिव वीलॉग्स आपके लिए लेकर आऊँगा, ओनली ऑन योर चैनल। कीप वॉचिंग, टेक केयर।